बड़ी और धमाकेदार खबर जो हम आपके लिए लेके आए हैं, आपको बता दें काबुल ब्लास्ट में 13 अमेरिकन सैनिकों समेत 85 की हुई मौत और ISIS ने ली इस हमले की जिम्मेदारी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए आपको बता देते हैं क्या है पूरी खबर और किस तरीके से जो काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट हुआ है उसका अमेरिका ने किस तरीके से जवाब दिया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में कई लोगों की जान जाने की खबर है और सूत्रों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट धमाकों में 85 लोग मारे गए हैं। जी हां, जिसमें से 13 अमेरिकन सैनिक भी शामिल हैं और गुरुवार को काबुल हाईवे अड्डे पर 2 बम धमाके की जानकारी मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि काबुल में और भी धमाके हो सकते हैं और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने अपने इस दावे में धमाके की जिम्मेदारी ली है। आप सबकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि यह विस्फोटक ऐसे समय में हुआ जब अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से हजारों अफगान देश से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से हाईवे अड्डे पर यानी काबुल एयरपोर्ट पर जमा है और काबुल हाईवे अड्डे से बड़े स्तर पर लोगों की निकासी अभियान की बीच पश्चिमी देशों ने हमले की आशंका जताई थी। और साथ ही साथ आप सबको ये भी बता दें ये ब्लास्ट ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से हजारों अफगान देश से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से जो काबुल एयरपोर्ट है उस पर जमा है और काबुल हवाई अड्डे से बड़े स्तर पर लोगों की निकासी अभियान के बीच पश्चिमी देशों ने हमले की आशंका जताई थी। कई देशों ने लोगों से हाईवे अड्डे से दूर रहने की अपील भी की थी क्योंकि वहां आत्मघाती हमले की आशंका जताई गई थी। ये भी बता दें कि काबुल के स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि कुल 85 लोग मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर अफगान पत्रकारों द्वारा शूट किए गए एक वीडियो में हवाई अड्डे के किनारे पर एक नहर के आसपास दर्जनों शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहना है कि कम से कम 2 विस्फोटनों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें ISIS ने कहा कि उसके एक आत्मघाती हमलावर ने अमेरिकी सैनिक के मददगारों को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों ने हमले के पीछे ISIS के हाथ होने का बात कही है और धमाकों में हाथाहाथ हुए अमेरिकों की संख्या गुरुवार को 12 से बढ़कर 13 हो गई थी। माना जा रहा है कि अगस्त 2011 में एक हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद यह दूसरी घटना में जिसमें अफगानिस्तान में इतने अमेरिकन सैनिकों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने की घटना में 30 अमेरिकन सैनिकों की मौत हुई थी। और आइए अब जान लेते हैं कि जो काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट हुआ उस पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्या रिएक्शन रहा और उन्होंने इसका किस तरीके से जवाब दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट ISIS को चेतावनी दी है और कहा कि हमला करने वाले नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि ISIS के गुनहगारों को अमेरिका ढूंढकर सजा देगा और हम अपनी जगह और अपने वक्त पर दुश्मन को जवाब देंगे। अपने सैनिकों और आम अफगानियों की मौत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि ISIS की को इसकी कीमत चुकानी होगी और हम इस जख्म को भूलेंगे नहीं। हम एक एक आतंकी को खोज कर मौत के घाट उतारेंगे। और दूसरी ओर आपको ये खबर भी दे दे कि तालिबान और हकानी में है ISIS की जड़ें। ये खबर दी गई है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तालिबान के ISIS के साथ संबंधों का दावा किया है और उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद हर सबूत से पता चलता है कि ISIS की जड़ें तालिबान और हकानी में है जो खासकर काबुल में सक्रिय है। तालिबान ने ISIS के साथ अपने रिश्ते को खारिज कर दिया है और ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने क्वेटा शुरा पर पाक के लिंक से इनकार कर दिया था। तो ये थी आप सबके समक्ष पूरी खबर और धमाकेदार खबर जो हम आपके लिए लेके आए हैं। इसी के साथ लाते रहेंगे और भी ऐसी खबरें। देखते रहें सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।